वाराणसी में कल होगा भारत बंद का आह्वान। वाराणसी शांतिपुर रैली होकलगंज तिराहे से होते हुए पांडेपुर चौराहे से घूमकर होकलगंज तिराहे पर आकर समाप्त। वाराणसी में बता दें कि बंगाल में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के प्रत्येक जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आयोजन किया गया। रैली के मुख्य रूप से श्रीकांत पांडे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य प्रदेश प्रभारी अखिल भारत हिंदू महासभा, सुनीता सोनी प्रदेश प्रभारी अखिल भारत हिंदू महासभा, राजू सोनी प्रवचन अध्यक्ष संतोषी शुक्ला, महिला नगर अध्यक्ष शंकर बोस और जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा सुषमा शुक्ला, जिलाध्यक्ष महिला विश्वजीत सहित कई अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। मैं श्रीकांत पांडे अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश प्रभारी। जी, किस तरह की रैली है ये? है हमारे जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उस उपलक्ष्य में हम लोग शांति मार्च हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चकपाणी महाराज जी के आह्वान पर हम लोग आज बनारस में कचहरी अरे पांडेपुर तक निकाल रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका निकालने का? मेन उद्देश्य ये कि जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा है, हमारे भारत सरकार उनको अपने यहाँ शरण दे और उनको जो भी कष्ट वे झेल रहे हैं वहाँ पर इस समय, उनको अच्छे से अच्छे उपचार और अच्छे से अच्छे जगह उनको रहने का व्यवस्था की जाए। जी, मैं संतोषी शुक्ला दीक्षा महिला कल्याण स्व संस्थान की अध्यक्ष हूँ। जी बताइए, जी किस तरह की रैली निकालनी है, किस तरह से जागरूकता है? जी, आज ये रैली निकालने का मकसद यही है कि जो देश में हर जगह पे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी कोलकाता में जो है बहुत बड़ी कांड जो है महिलाओं के साथ, डॉक्टर लेडीज़ के साथ जो है घटी है, उसके प्रति सारे डॉक्टर्स लोग एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश के जो भी शासन प्रशासन जो है वो खामोश पड़े हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा की जब बात होती है तो वो खामोश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रैली के माध्यम से एक हम लोग जागरूकता भी ला रहे हैं और पब्लिकली सभी अभिभावकों से ये निवेदन करते हैं कि लड़कियों को जो है पढ़ाई के साथ साथ उन्हें हुनर के साथ साथ जो है स्वावलंबी बनाने के साथ साथ जो है अब टाइकांडो मार्शल आर्ट जैसी परीक्षाएं जो हैं जरूर दें। लड़कियों को अब ज़रूरत है झांसी की रानी बनने की, ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और जहां पे ज़रूरत पड़े। यदि आप राज सोनी पूर्वांचल अध्यक्ष, आज बांग्लादेश के विरोध में छोटे छोटे बच्चों के साथ रैली निकाल रहे हैं, यह रैली निकालने का क्या उद्देश्य? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चकपाणी महाराज के आह्वान पे 21 तारीख को जो भारत बंद का उन्होंने बुलंद किया है, इसी प्रकरण में आज एक रैली बच्चों के द्वारा हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें कि हमारे श्रीकांत पांडे जी, शंकर बोस जी और प्रदेश प्रभारी सुनीता सोनी जी द्वारा निकाली जा रही है। और हम बांग्लादेश के ऊपर यही बोलना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई पे अत्याचार हो रहा है, सरकार को संज्ञान में लेके, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेके हमारे हिंदू भाई की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और उनके तत्काल प्रभाव से भारत में शरण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा हम मांग करते हैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से। अपना परिचय बता दीजिए। मैं शंकर बोस अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जिला प्रभारी हूँ। मामला आज यह है बांग्लादेश में स्थित जिस तरह से मार काट हत्या हो रही है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, घरों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को फांसी दे दे रहा है, उनके न्याय के लिए हम लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदू है तो हिंदू बनिए, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती है, धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होती है। दीपक ही नहीं रहेगा तो दिया का आप क्या करेंगे, बाती का क्या करेंगे, और हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करेंगे। हर आदमी पीछे पड़ा है रोटी कपड़ा और मकान के पीछे, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो रोटी छीन लिए जाएंगे, मकान जला दिए जाएंगे। और हम लोग का एक ही उद्देश्य है हिंदू महासभा का कि वहाँ के हमारे बंगाली हिंदू भाइयों को सुरक्षा दिया जाए। कलकत्ता में जिस तरह एक हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, जिस तरह से लोगों ने एकता दिखाया, उसी तरह से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हुआ, उसके लिए पूरा भारत एकत्रित होकर उनका सपोर्ट करे और उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार से सविनय निवेदन है कि उनका करे, उनको शरण दे और उनका एक एक तो उनका